क्या प्रेजेंट करनी है वो ध्यान से देखो. सो व्हाट इज कोरिलेशन? इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक्स और वाई दो वेरिएबल है. अब इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हमें ना रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं या फिर दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, या एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है, या फर्स्ट वाला डिक्रीज कर रहा है सेकंड वाला इंक्रीज कर रहा है. तो ये जो हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स, दिस इज नोन एज कोरिलेशन. बात समझ में आई? सबके? ओके, एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना जरा. मान लो मैं लिखता हूं प्राइस और मैं यहां लिखता हूं क्वांटिटी डिमांड. बात बताओ, प्राइस 10 से 15 हो गई, प्राइस इंक्रीज कर रही है, क्वांटिटी डिमांड? ओके, दिमाग खराब है. क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? प्राइस इंक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी डिमांड, ठीक है. सो मतलब आप समझ रहे हो, आप दो वेरिएबल्स यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या फाइंड आउट कर रहे हो, रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हो. एंड दिस रिलेशन विल बी नोन एज कोरिलेशन. क्लियर सारे बच्चे? अच्छा, ठीक है. देखो कोरिलेशन, हाँ, अब कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का बेटा तीन मेथड है, लेकिन उससे पहले ना हमें जरा इसके डिग्रीज समझना है कि क्या क्या डिग्रीज होती हैं. फिर कुछ एक एग्जांपल समझाता हूं. पहला होता है बेटा परफेक्ट कोरिलेशन. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, कोरिलेशन में बेटा जब भी आप जितने भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे, सारे के न्यूमेरिकल्स की वैल्यू बेटा 0 to 1 के बीच में आएगी. आई रिपीट, 0 to 1 के बीच में आएगी. ये बात समझे सब लोग? समझे? जब भी आप कोरिलेशन के जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बेटा, हर एक न्यूमेरिकल की वैल्यू जीरो, मतलब जब भी उसका सॉल्यूशन होगा वो 0 to 1 के बीच में ही आंसर आएगा. बात समझे सब लोग? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा. अगर आपका आंसर 1 आया तो उसको हम बोलेंगे कैसा कोरिलेशन है वो. अगर आपका आंसर 1 आया तो उसको हम कैसा कोरिलेशन बोलेंगे? परफेक्ट कोरिलेशन. मान लो अगर आपका आंसर 0.5 से ज्यादा आ रहा है और 1 के मतलब 0.5 टू लेकर के 1 तक आ रहा है, यानी बिटवीन 0.75 टू 1, तो बेटा हम उसे बोलेंगे कैसा कोरिलेशन है वो, हाई कोरिलेशन है. बात समझे सब लोग? मान लो आपका कोरिलेशन बेटा 0.25 से लेकर के 0.75 तक आ रहा है, तो हम उसे बोलेंगे मॉडरेट कोरिलेशन, मतलब नॉर्मल रिलेशन है. अगर आपका कोरिलेशन का आंसर बेटा 0 से लेकर के 0.25 तक के बीच में आ रहा है, तो हम बोलेंगे उसे लो कोरिलेशन. और अगर आपका आंसर आया 0, तो हम बोलेंगे बेटा 0 कोरिलेशन. ये बात समझ में आई? तो फिर एक एग्जांपल बताता हूं. ये बात सबके समझ में आई? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, ठीक है. ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे इस पॉइंट को. एक बात बताओ, ये पिक्चर दिख रही है आप लोग को जिसमें ड्राई हॉट एंड सनी समर वेदर लिखा है? अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना जरा, एक बात बताओ, समर्स के टाइम पे इधर आइसक्रीम या फिर कोल्ड ड्रिंक आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं आती है? ठीक है, तो बेटा एक बात, अच्छा जनरली कैसे होता है कि सपोज करो, मैं ना तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं. जब ना मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था, तो जैसे ना फील्ड पे हमारे कई सारे मतलब वो एग्जीक्यूटिव्स होते थे जिनको हम फील्ड वर्कर्स बोलते थे, वो क्या करते थे, बहुत सारी जगह पे उनको फील्ड में काम करना पड़ता था. तो जनरली ऐसा होता था कि जब वो काम हम करके लौटते थे ना, तो मैं उनसे रिपोर्ट मांगता था
कि आज की सेल्स का मुझे बताओ, आज प्रमोशन में क्या क्या टूल्स यूज किए, कहाँ किए, सारी चीजें पूछता था। तो बेटा जब वो आते थे ना, तो मैं उनको देखता था, जनरली ऐसा देखता था कि वो ना बड़े थके हुए होते थे। तो मैं सडनली ना अपने काम वाले से बोलता था कि यार इनके लिए ना कोल्ड ड्रिंक लेकर के आओ। अब मैं ऐसा क्यों बोलता था, कोई रीजन बताओगे? करेक्ट, ठीक है। सो ठीक है, ये भी ठीक है। तो मतलब समझ में आ रहा है बेटा, लेट सपोज दीज आर माय एम्प्लॉयज, ठीक है। अब वो इतनी धूप में मतलब काम करके आ रहे हैं, सन बर्न, हीट स्ट्रोक, या फिर क्या नाम है तुमने जैसे बोला ग्लूकोज, ठीक है, ये सब चीजों का उनको रिक्वायर मतलब उनको काफी मतलब कमी हो चुकी होगी। सो उसको फुलफिल करने के लिए इधर या तो मैं उनके लिए आइसक्रीम मंगवा सकता हूँ, या कोल्ड ड्रिंक, या मे बी कोल्ड वाटर मंगवा सकता हूँ। बात समझे सब लोग? ठीक है, तो मतलब क्या है बेटा, मेरे एम्प्लॉयज की नेसेसिटी और ये पर्टिकुलर कमोडिटी दोनों आपस में कोरिलेटेड हुए कि नहीं हुए, बताओ बेटा। ठीक है, और सिंस उनको जरूरत थी तो वो परफेक्ट कोरिलेशन हो गया। अब सपोज करो मैं ना, अब ध्यान से सुनना, एक लास्ट एग्जांपल, मैं खाना पीना खा चुका हूँ, डिनर कर चुका हूँ, अब इसके बाद भी कोई मेरे सामने अच्छा सा मेन्यू प्रेजेंट कर दे, चलो मैं जबरदस्ती खा भी लूँ, लेकिन क्या उस मतलब उस कमोडिटी और मेरी जो रिक्वायरमेंट है इन दोनों के बीच में कुछ खास रिलेशन है? नो सर। ओके, तो दिस विल बिकम या तो लो कोरिलेशन या फिर जीरो कोरिलेशन। बात समझ में आई? सबको? ओके, ठीक है। सो अब इसी के बेसिस में जरा हम डिग्रीज देखते हैं बेटा, ठीक है। सो व्हाट आर द डिग्रीज? सबसे पहले तो रुको, डिग्रीज वाइज मैं आप लोग को लिखवा देता हूं। सबसे पहले बेटा डिग्रीज का पहला रुको, ठीक है। सबसे बेटा सबसे पहले हेडिंग डालना सारे बच्चे अपने अपने नोटबुक में, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट डिग्री बेटा, ये थियोरेटिकल पार्ट है, ध्यान रखना। फर्स्ट डिग्री परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा पॉइंट बेटा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। थर्ड पॉइंट बेटा, जीरो कोरिलेशन। फोर्थ पॉइंट, पॉजिटिव कोरिलेशन। थोड़ी राइटिंग खराब आएगी बेटा क्योंकि अभी ये फॉर्मेट चेंज हो गया है। और लास्ट पॉइंट बेटा, फिफ्थ पार्ट होगा, नेगेटिव कोरिलेशन। ये जल्दी से नोट करो, साथ साथ इसकी वैल्यूज भी नोट करवा दे रहा हूं। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब 1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मींस -1, जीरो कोरिलेशन जिसको नो कोरिलेशन बोलते हैं उसकी वैल्यू 0, पॉजिटिव कोरिलेशन विल बी 0.5 to 1, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मतलब रुको, परफेक्ट नेगेटिव में आएगा -0.5 to -1। नोट कर लो बेटा जल्दी से सब लोग। सारे बच्चे जल्दी से, डन एवरीबॉडी। अब एक काम करें जरा। हाँ बेटा बोलो। अच्छा अच्छा, ये लो जल्दी से नोट करो। सो आई रिपीट, 5 डिग्रीज है बेटा कोरिलेशन की। कौन सा मैं बता रहा हूं, 5 डिग्रीज है कोरिलेशन की बेटा। परफेक्ट पॉजिटिव,
परफेक्ट नेगेटिव, जीरो कोरिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है जहां पर मतलब दो पार्टीज के बीच में रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब लेट सपोज इफ आई एम वेरी थर्स्टी मतलब बहुत ज्यादा थर्स्टी हूं और मेरे सामने बेटा कोई पानी रख दे, तो मेरे लिए इस टाइम वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। बट सपोज करो मैं नॉर्मली ऑफिस में पहुंचा, लेट सपोज जो मेरा वर्कर है वो मेरे लिए पानी ले करके रख दिया, मैं उसको आधे घंटे में कंज्यूम कर लूंगा, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब मेरे लिए एकदम नेसेसिटी नहीं थी बट वो मेरे लिए एक अच्छा वो है ना, रिस्पॉन्स है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है बेटा कि सपोज करो ठंड का टाइम है, अब इस टाइम पे मुझे पता है कि मुझे आइसक्रीम सूट नहीं करती है बट मैं फिर भी जाकर के आइसक्रीम कंज्यूम कर लूं, क्या मैं बीमार पड़ सकता हूं? ठीक है, तो बेटा ये मेरे को परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो गया क्योंकि कोई रिलेशन था नहीं फिर भी उसको कंज्यूम कर गया। ठीक है, जबकि नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये, सपोज करो किसी दिन मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, और मैंने क्या नाम है मेडिसिन को इग्नोर कर दिया, या फिर सपोज करो मेरा गला खराब है मैं जाके ठंडा पानी पी लिया, ठीक है, तो या फिर नहीं इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ, रुको, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब हाँ सपोज करो मैं लंच करने गया और मैंने गलती से बेटा कुछ ऐसा जंक फूड खाया जिससे मेरी हेल्थ खराब हो गई, तो क्या ये नेगेटिव कोरिलेशन हुआ? ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट नेगेटिव कब होता बेटा, जब मुझे पता होता कि ये मेरे लिए नेगेटिव रिस्पांस करेगा और फिर भी मैं उसको कंज्यूम करता, सो दिस विल बिकम परफेक्ट नेगेटिव। मुझे पता नहीं था बट कंज्यूम करने के बाद उसका रिस्पांस नेगेटिव आ गया, सो दैट विल बिकम नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ व्हाट इज जीरो कोरिलेशन? जीरो कोरिलेशन का मतलब ये है बेटा, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज करो जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको पानी पीने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है बट आप फिर भी पी लेते हो, तो उससे आपको मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है, तो आपस में उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं हुआ, ठीक है, समझ गए सब लोग? डेंथ क्लियर है? अच्छा, आते हैं बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, सिंस हमें दो ही मेथड समझने हैं क्योंकि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आपके सिलेबस से अब हट चुका है सिर्फ इस साल के लिए। सो मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशन कैलकुलेट करने के दो मेथड है, जिसमें पहला मेथड है बेटा स्कैटर डायग्राम जो कि टोटली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो जरा सारे बच्चे सबसे पहले हेडिंग डाले बेटा मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन, और उसमें पहला पॉइंट डालो बेटा स्कैटर डायग्राम। थोड़ा जल्दी नोट करेंगे, थोड़ा सा जल्दी। एक सेकंड, वो नेगेटिव ही होगा ये कह रहे हो? देख मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। सपोज करो अब जैसे विंटर्स का टाइम है और मान लो तुम्हें पहले से पता है कि तुम आइसक्रीम कंज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज वो तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है, मान सकते हो इस बात को? ठीक है, लेकिन तुम फिर भी उसको कंज्यूम कर लो, उसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, पॉसिबल है? अब इसका मतलब ये है कि तुम रिजल्ट पहले से ही जानते थे फिर भी तुमने उसको कंज्यूम कर लिया, दिस विल बिकम परफेक्ट नेगेटिव। पॉइंट समझे? अच्छा, अब लेट्स सपोज हम समर्स की बात करते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि समर्स में जब सीजन चेंज होता है, जैसे बारिश वगैरह हो जाती है, थोड़ा सा मतलब सीजन में चेंज आता है, तो बच्चे कोल्ड ड्रिंक या फिर ठंडा पानी या फिर आइसक्रीम वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो उनकी सडनली जुकाम खांसी इस टाइप के वायरल इस टाइप का उनको इश्यूज आते हैं।
तुम्हें ये पता है कि समर्स में तुम आइसक्रीम कंज्यूम कर सकते हो, बट उसके कंजप्शन से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई कि नहीं वो तुम नहीं जानते हो, लेकिन अगर तबीयत खराब हो गई तो दिस विल बिकम नेगेटिव, नॉट परफेक्ट नेगेटिव, समझे? रिलेशन मतलब उसके कंजप्शन से रिजल्ट क्या निकलता है या उसके यूज से, समझे? डाउट हो गया सब बच्चों का? एक मैंने बोला मेथड ऑफ मेथड्स की हेडिंग डालो, पहला मेथड स्कैटर डायग्राम। अब बेटा जरा सबसे पहले तो स्कैटर डायग्राम के बारे में आप लोग जरा एक चीज लिखें। सो स्कैटर डायग्राम ऑफर्स अ ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शन एंड द डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, सिर्फ आपको इतना लिखना है। लिखो जल्दी से जरा, स्कैटर डायग्राम ऑफर्स अ ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शन एंड द डिग्रीज ऑफ द कोरिलेशन। नोट हो गया सबका? नोटेड? सबका ओके? मेरे बात ध्यान से सुनो, जरा ये डायग्राम बनाओ, एग्जैक्टली सेम बनाना, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव नॉन लीनियर। अच्छा ये नेगेटिव नॉन, रुको मैं बताता हूं, सबसे पहले हेडिंग डालना परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव उसका डायग्राम है ये, फिर हेडिंग डालना परफेक्ट नेगेटिव उसका डायग्राम है ये, फिर डालना नेगेटिव कोरिलेशन। नहीं नहीं कुछ नहीं लिखना, सिर्फ डायग्राम बनाना है, और दिस इज जीरो कोरिलेशन। बना बेटा डायग्राम, इतना लेट क्यों है बेटा? चलो नोट हो गया, माने थोड़ा जल्दी करो बेटा। अच्छा मैंने आप लोग का कॉस्ट का चैप्टर का डॉट डॉट बनाना है, मैंने आप लोग के कॉस्ट के चैप्टर को वो किया, चेक किया, मतलब मैक्सिमम बच्चों का कॉस्ट का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो मिस्टेक हुआ है, ठीक है? सो उसके लिए दिस संडे देयर विल बी एन एक्स्ट्रा क्लास ओनली फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द कॉस्ट, ठीक है? वन थर्टी एंड अकाउंट्स एक्स्ट्रा क्लास को कब को इस बात की बेटा कितनी बार बोला स्कूल छुट्टी देता होगा,
एमएस छुट्टी नहीं देता है, ध्यान रखना। चलो अब हम जरा समझ लेते बेटा, देखो क्या मैं इसको 45 डिग्री लाइन बोलूंगा? तो ठीक है, एक सेकेंड, एक बात बताओ, क्या मैं इसको भी 45 डिग्री लाइन बोलूंगा? ओके, सो दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपको 45 डिग्री लाइन मतलब 45 डिग्री लाइन आपका अगर पॉइंट हो रहा है तो And this will become, जो सेकेंड डायग्राम है, this will become perfect negative correlation. सारे बच्चों को समझ में आया? Okay. But suppose करो आपका डेटा या तो ऐसे बन रहा है या ऐसे बन रहा है, ठीक है, या ऐसे ऐसे करके बन रहा है, this will become only positive correlation. बात समझ में आया? क्योंकि upward sloping है ओरिजिन पॉइंट से, पॉजिटिव ओरिजिन पॉइंट से, समझे सब लोग? नहीं, तीनों में से मतलब कुछ भी लाइन बन जाए, या तो ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए, अगर अपवर्ड स्लोपिंग है सो दिस विल बिकम पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, बट नॉट द परफेक्ट। परफेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि 45 डिग्री लाइन से नहीं हुआ। सारे बच्चे क्लियर है? बेटा सब बच्चे क्लियर है? ये ऐसे नहीं है, आपके समझाने के लिए, ठीक है। एंड दिस विल बिकम ओनली नेगेटिव कोरिलेशन बट नॉट द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जस्ट बिकॉज ये 45 डिग्री लाइन से नहीं आ रहा, लेकिन ये ऑपोजिट साइड से हो रहा है, तो ये आपका लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और सपोज करो ये एक डायग्राम बन रहा है, कुछ डायग्राम ऐसे ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, कुछ डायग्राम ऐसे बन रहे हैं, कुछ डायग्राम ऐसे बन रहे हैं, कुछ डायग्राम ऐसे बन रहे हैं, सो दिस विल बी, दिस शोज दैट देयर विल बी नो कोरिलेशन, सो दिस विल बिकम जीरो कोरिलेशन। सारे बच्चे अब स्कैटर डायग्राम से क्लियर है? सारे सबका जवाब नहीं आया? जीरो वाला। चलो लेट्स सपोज ये डायग्राम बन रहा है, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, ये वाई एक्सिस, तो मतलब हमें एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों में कोरिलेशन देखना है। मान लो पहला रिलेशन यहां पर शो हुआ, दूसरा रिलेशन यहां शो हुआ, तीसरा यहां हुआ, चौथा यहां हुआ, पांचवा यहां हुआ, छठे वेरिएबल का यहां शो हुआ। अब अगर आप इसको पॉइंट करो, मतलब इनके पॉइंट को मैच करो, तो ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, क्या इनमें कुछ भी रिलेशन तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये मतलब अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, कुछ भी पता चल पाएगा? ओवरऑल नहीं पता चल पाएगा। सो दिस शोज दैट देयर विल बी नो रिलेशन, यानी देयर विल बी जीरो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। क्लियर? Okay, now coming to the last method of the correlation, Carl Pearson coefficient of correlation. सबसे पहले जरा heading डालो, Carl Pearson coefficient of correlation, और उसका formula लिखो, R यहाँ पर denote करेगा बेटा correlation को। पहले ये formula जल्दी से note करो, फिर मैं इसकी explanation दूँ। पहले हम इस formula को समझेंगे so that हम next class में इसके questions को कर पाएं। जल्दी 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 नोट करें बेटा सब लोग।
R is equal to sigma xy upon mean n into standard deviation of x into standard deviation of y. ज़्यादा घबराना नहीं, ये देखने में फॉर्मूला आप लोग को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ये। नोट कर लिया सबने? इसी को नोट करने के बाद बेटा और लगा करके इसका दूसरा फॉर्मूला नोट करना। R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में, अब ध्यान से समझना जो लिखवाने जा रहा हूं, अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स ये स्क्वायर बेटा, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, जरा ये नोट करो और इसको ना ब्लॉक में रख लेना। कि हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला को, एक्चुअल में ये फॉर्मूला सेम है जो ये लिखा है, बट यहां पर आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। नोट करो जरा ये चीज जल्दी से, फिर समझाना शुरू करता हूं। यकीन मानना ये टफ नहीं है, बहुत ईजी है, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी लेंदी होगी। नोटेड एवरीवन? नोटेड एवरीवन? ओके, अब मेरे साथ साथ जो मैं लिखवा रहा हूं बेटा जरा उसको नोट करते जाना। सबसे पहले आप जरा हेडिंग डालें स्टेप्स, सबसे पहली हेडिंग स्टेप। तो बेटा स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट मीन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब यहां पर आपको दो वेरिएबल गिवन है, इसलिए आपको दो चीजों का मीन कैलकुलेट करना होगा। और एक अच्छी चीज बताता हूं आप लोग के लिए, थोड़ा मतलब हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? आपको यहां पर डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज दोनों में से किसी भी सीरीज को यूज करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर मीन हमेशा निकालोगे बाय इंडिविजुअल सीरीज, और बेटा इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? और y के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अब सिग्मा y अपॉन n। क्लियर सारे बच्चे? सारे बच्चे क्लियर है यहां पे? ठीक है, ओके। अब कुछ कुछ चीजें ऐसी लिखवाऊंगा जो तुम लोग कहोगे सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है? सो स्टेप नंबर टू, कैलकुलेट डेविएशन, याद आया कुछ? याद आया कुछ? जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे तो क्या हम डेविएशन निकालते थे? ठीक है, तो बस यहां पर एक फर्क ये आएगा कि अभी आपको दो चीजों का डेविएशन निकालना है, एक तो x का डेविएशन निकालना है और एक y का डेविएशन निकालना है। तो x माइनस x मीन और y माइनस y मीन, तो दिस विल बिकम स्मॉल x एंड दिस विल बिकम स्मॉल y। स्टेप नंबर थ्री, ध्यान से नोट करना, स्टेप नंबर थ्री काफी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेविएशन, कैलकुलेट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ डेविएशन। बोथ डेविएशन का मतलब है यहां पर बेटा x एंड y, सो दैट इज वो आपका क्या बन जाएगा? एक्स वाई। स्टेप नंबर फोर, कैलकुलेट द स्क्वायर of deviation of x and y, that will become x का square and y का square। यहां तक नोट करो, फिर सीधा फॉर्मूला समझाता हूं कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ओके, लास्ट स्टेप,
sum total of step number 3, that is sigma xy, and step number 4, that is sigma x square and sigma y square. नोट कर जाए यहां जरा ये नोट करना बेटा. Done everybody? अच्छा अच्छा नोट करो भाई जयंत जल्दी से. Just a second. Note करो जैन. हो गया जैन. ओके अब हम आते हैं बेटा सर फॉर्मूले की लिस्ट पे. तो अगर आप लोग देखो तो मैंने आप लोग को ब्लॉक में जो फॉर्मूला लिखवाया था वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था कि R is equal to सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर. क्या यही फॉर्मूला लिखवाया मैंने आप लोग को? ठीक है अब नोटिस करना बेटा हमने वही सारी चीजें कैलकुलेट की है. हमने सिग्मा एक्स वाई कैलकुलेट किया जो न्यूमरेटर में आ रहा है. दूसरी चीज स्टेप नंबर 4 का भी हमने क्या किया सिग्मा किया यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर जो कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट में मल्टीप्लाई होंगे. क्लियर एवरीबॉडी? जल्दी बताओ. अब हम जरा समझते हैं सारे के सारे स्टेप्स को बेटा. तो सबसे पहला स्टेप्स बेटा आपके पास दो वेरिएबल्स गिवन होंगे x और y. तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि x और y दोनों का आप क्या निकालोगे मीन कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग इंडिविजुअल मेथड. मीन कैलकुलेट करने के बाद बेटा आप डेविएशन निकालोगे सेकेंड स्टेप में जो कि कैसे निकलेगा x में से मीन को माइनस करना है x मीन को माइनस करना है और y में से जो आपने y का मीन निकाला है उसको माइनस करना है. जो वैल्यू आएगी उसको हम कंसीडर करेंगे स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई. क्लियर सारे बच्चे? ओके ओके स्टेप नंबर 3 बेटा वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द डेविएशन. मतलब हमारे पास ये जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आया है हम इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दिस वैल्यू विल बिकम नाउ एक्स वाई की वैल्यू. क्लियर सारे बच्चे? ओके स्टेप नंबर 4 जो आपने एक्स और वाई कैलकुलेट किया है आप उस डेविएशन का क्या करोगे स्क्वायर निकालोगे यानी एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर निकालोगे एंड द लास्ट स्टेप इस एक्स वाई का टोटल करेंगे एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे और वाई स्क्वायर का टोटल करेंगे एंड देन use all these values in this formula. Clear everyone? बच्चे लो सारे बच्चे क्लियर है? ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे ये दिख रहा है प्राइस और क्वांटिटी दिख रहा है ठीक है या फिर सुनो इसको छोड़ो हम आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा. आपको प्राइस एंड सप्लाई दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 5. सो बेटा प्राइस विल बिकम एक्स एंड वाई सप्लाई विल बिकम वाई. तो सबसे पहला स्टेप हम प्राइस का और सप्लाई दोनों का क्या कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 1 मीन कैलकुलेट करेंगे. दूसरा स्टेप क्या करेंगे बेटा डेविएशन कैलकुलेट करेंगे. तीसरे स्टेप में क्या करेंगे चलो या तो ये भी कर सकते हो या फिर वो जो डेविएशन निकाला है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो बन जाएगा आपका एक्स वाई.
फिर चौथे स्टेप में क्या करेंगे, हाँ उसे डेविएशन का हम स्क्वायर करेंगे, यानी x का भी स्क्वायर करेंगे और y का भी स्क्वायर करेंगे, सो दैट विल बिकम x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, एंड द लास्ट फिफ्थ स्टेप हमें x y का टोटल करना है, यानी सिग्मा x y निकल आएगा, x स्क्वायर का टोटल करना है, दैट विल बिकम सिग्मा x स्क्वायर, एंड y जो डेविएशन y था उसके स्क्वायर का टोटल करना है, सो दैट विल बिकम सिग्मा y स्क्वायर, एंड हम उनको यूज कर लेंगे फॉर्मूला में। क्लियर हो गए सारे बच्चे?